नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आजकल बिटकॉइन का बड़ा हल्ला है। जब स्कूल के और कॉलेज के बच्चे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि कोई बबल बन रहा है। ये बबल है नहीं, बिटकॉइन बबल नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह जहाँ पर भी पैसा है और जहाँ पर भी लालच आ जाता है वहीं पर बबल बनता है। बिटकॉइन हो या किसी भी और तरह का बिज़नेस हो, क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए? क्या उसके ज़रिए पैसे कमाने चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हम उसको मिस कर जाएंगे। इसमें दो नए शब्द मैं चाहता हूँ आप उसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से खोजें। ये दोनों नए शब्द मैंने भी बहुत ही रिसेंटली खोजे हैं इनको। हालांकि मैं पहले समझ पा रहा था कि क्या है ये, बट इनको एक्चुअली वर्ड फॉर्म में जब हमारा दिमाग समझता है तभी इनको एक्सप्रेस कर पाता है किसी को। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से अपनी लाइफ में और औरों की लाइफ में भी स्टडी करने की कोशिश करिएगा। ये दोनों नए वर्ड हैं। एक है नॉन ग्रैनुलैरिटी। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिज़नेस में या लाइफ में या किसी भी बुक में या किसी भी चीज़ में या कहीं टाइम भी लगाते हैं, बिकॉज जो आदमी के पास पैसा नहीं है उसके पास उसकी सबसे कीमती चीज़ है टाइम। तो उस सेंस में नॉन ग्रैनुलैरिटी इस चीज़ को समझना होगा आपको। और एक दूसरी चीज़ है फोमो इफेक्ट, FOMO इफेक्ट। तो सबसे पहले फोमो इफेक्ट समझते हैं, कैपिटल FOMO इफेक्ट। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं न छूट जाऊँ पीछे। जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है जहाँ पर आपको थोड़े से पैसे लगा के बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो हर कोई जिसके पास भी थोड़ा पैसा होता है वो सोचता है फटाफट पैसे लगा करके अपना पैसे कमा लूँ। वो सोचते हैं कि हम भी अमीर बन जाएँ। जैसे रिसेंटली अभी हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की उस इन्वेस्टमेंट में अमिताभ बच्चन जी ने 1 करोड़ रुपये लगाए और 100 करोड़ रुपये कमा लिए। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ अभी कल परसों में आई थी जिसमें कि वो 100 करोड़ का ऑलमोस्ट 70-80% का मार्केट कैप था, काफ़ी कम हो गया है। फोमो इफेक्ट से बचना होगा आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से मुंबई जाना चाहता हूँ तो एक ट्रेन है, एक बस है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेन है और एक ही बस है। रेगुलर टाइम पर ढेर सारी ट्रेन्स और बसेज हैं, तो अगर आप एक ट्रेन मिस कर जाते हैं तो भी आप दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्लियर ये होना पड़ेगा कि आपको जाना है और पहुंचना है। जो लोग भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वो एक्चुअली कहीं पर पहुंचने की नहीं सोच रहे हैं, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की नहीं सोच रहे हैं, वो लॉटरी टिकट खरीदने की सोच रहे हैं। और ये जो फोमो इफेक्ट है वो आपको, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट इफेक्ट जो है वो आपको पुश करेगा कि अपना सारा इकट्ठा जो भी आपने बहुत सालों में पैसे इकट्ठा किया उसको एक साथ लगा दें। और जहाँ पर भी ऐसी फीलिंग आती है इससे आपको बचना होगा। इन्वेस्ट करना हो करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट लगाइए, ऐसा अमाउंट जो अगर ख़त्म भी हो जाए, मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो एक तो ये है फोमो इफेक्ट, दूसरी है नॉन ग्रैनुलैरिटी। ग्रैन्यूल समझते हैं जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं और उसमें दाने दाने जैसे की फीलिंग आती है उसको बोलते हैं ग्रैनुलैरिटी। लेकिन बिज़नेस की दुनिया में ग्रैनुलैरिटी बोलते हैं जब प्रॉफिट कंपनी के साथ मैच करता है। मतलब अगर कोई कंपनी है वो कोई सर्विस देती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है और पब्लिक उसको यूज़ करती है और उसका शेयर मार्केट में बिकता है और शेयर की जो ग्रोथ है शेयर मार्केट में और उस कंपनी का जो प्रॉफिट है दोनों मैच करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैनुलर मूवमेंट। लेकिन बहुत सी कंपनीज हैं जो, इनफैक्ट सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि जब उनका शेयर मार्केट में बिके तो ढेर सारे पैसे पब्लिक उस पर लगाए, बिकॉज जो लोग भी शेयर में पैसा लगाते हैं वो लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं। अमेज़ॉन भी कोशिश कर रही है नॉन ग्रैनुलर होने के लिए, मतलब जो लोग भी उसका शेयर खरीदें किसी कंपनी का तो ये सोच कर ना खरीदें कि वो एक्चुअली कंपनी का क्या काम करती है या उसका प्रॉफिट कितना है, बस लोग नाम सुने और पैसा लगा दें, इसको बोलते हैं नॉन ग्रैनुलैरिटी। अमेज़ॉन ये चाहती है कि लोग बस अमेज़ॉन का नाम सुने और उसके शेयर खरीद लें, इररिस्पेक्टिव कि अमेज़ॉन की एक्चुअली अंदर की हालत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। पब्लिक बस नाम से जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है उसको बोलते हैं नॉन ग्रैनुलैरिटी। और बिटकॉइन के साथ यही हो रहा है। आज की डेट में हम लोग बिटकॉइन का नाम सुनते ही यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के, स्कूल के, जो थोड़ा बहुत भी पैसा इकट्ठा करते हैं फिर वो डाल देते हैं पैसा कोई भी उसमें। उनको ये नहीं पता, अभी जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जो है हमारे वॉरेन बफेट,
वो क्या कह रहे थे बताया, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करो तो पहले उस कंपनी को प्रॉपरली स्टडी करो कि वो कंपनी काम क्या करती है। बिकॉज जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो आप खाली पैसा नहीं लगाते, आप उसमें अपना टाइम भी लगाते हैं। आप अगर कहीं न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर मैंने 5,000, 10,000, 15,000 कहीं लगा दिए तो अगर उसका न्यूज़ में उसका नाम आएगा तो भी मैं उसको खोजूंगा, उसको उसके बारे में मेरा दिमाग जाएगा वहाँ पर। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड, इट इज़ योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड। तो अगर आप नॉन ग्रैनुलैरिटी से नहीं बचेंगे, कंपनीज तो कोशिश करती हैं कि आपको इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, ये बेसिकली हाइप क्रिएटेड इवेंट है। इसमें आपको यंग फील होता है कि आप कोई ऐसा बड़ा काम कर रहे हो जो बाकी लोग बूढ़े लोग नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से हमारी कोशिश है, चाहे यंग लोग इन्वेस्ट करें चाहे बूढ़े लोग, कि हम एक नई चीज़ कर रहे हैं, एकदम नया टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी जगह पर, और इन्वेस्टमेंट से प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट मतलब खाली पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट मतलब आपका टाइम और सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका माइंड है। अगर मैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कहीं लगा करके सुबह से लेकर शाम तक अपने मोबाइल पे या कहीं कोई न्यूज़ पे उसी चीज़ के बारे में खोज रहा हूँ कि आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ उसको। मैं कोई इवैल्यूएशन, कोई एनालिटिक्स, कोई स्किल नहीं सीख रहा हूँ। आप 5,000 रुपये दे करके अगर 5,000 की बुक्स ख़रीदते हैं और उसमें से कुछ सीखते हैं, या आप 5,000 रुपये दे करके कहीं पर कोई एक्टिविटी सीखते हैं, लेट्स से आपने सिंगिंग सीखा, आपने म्यूज़िक सीखा, आपने कंप्यूटर कोडिंग सीखा, तो उस पैसे में आपको कुछ एक्टिविटी सीखने को मिल रही है जो आपको कल को और कमा कर देगी। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये दे करके ऐसी चीज़ में पैसे लगाते हैं कि उसको खाली देखना, बैठ करके देखना, तो ये नॉन ग्रैनुलैरिटी के चक्कर में फंस रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी इवैल्यूएशन है कि वो कंपनी अच्छी है ख़राब है, उसमें कंपनी ने एक अपने आप को प्रॉफिट से हटा दिया अपने, बिकॉज काम क्या कर रही है आज की डेट में। हम बिटकॉइन पे अगर मैं आज इन्वेस्ट कर दूँ और इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपये बिटकॉइन मुझे 50,000 रुपये दे दिया, 1,00,000 रुपये देते, तो उस 1,00,000 रुपये से मैं क्या क्या चीज़ खरीद सकता हूँ, इसको जाके सर्च करिए। मैंने सर्च किया कि मैं कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकता हूँ बिटकॉइन से। क्या आप अपने किताबें, अपने कपड़े, अपने राशन का सामान, जैसे और एक आंटी ने पूछा कि क्या मैं ज़मीन खरीद सकती हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें अभी भी बिटकॉइन से नहीं मिल सकती हैं तो आप एक हाइप में हैं। इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।